और 16 पहली दफे राज्य में 16 लोग एमएलए आए जी। अब बीच में किसकी नजर लगी है, कहां गड़बड़ी हो रही है, मैं नहीं समझ सकता। झारखंड में इस समय कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कुल 18 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी के 14 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने की तैयारी में थे। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के लिए खतरे की भी घंटी बताई जा रही है। अगर कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल के हावड़ा में गिरफ्तार नहीं होते तो 5 अगस्त को झारखंड में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी थी। यह विधायक असम के गुवाहाटी में सौदेबाजी कर रहे थे, वहीं से झारखंड में नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही थी। विधायकों के पकड़े जाने के बाद अब ऑपरेशन झारखंड पर विराम लग गया है, लेकिन यह स्थायी विराम नहीं है। हर दिन जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे यह तय माना जा रहा कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। यह टूट हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य तय करेगी। वहीं इस पर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी का शायद नजर लग गया है। सुने और क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं राजनीति में लाभ के लिए और किसी लोभ के लिए नहीं आया हूँ, तो हमें फर्क तो पड़ेगा नहीं। कोई लाभ के लिए तो आया नहीं रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव तो अकेले कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस में और भी है। जो होगा मैं अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं, अपनी बात करूंगा ना। मैं लाभ के लिए नहीं आया हूँ। सर इतने वर्षों से कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट फूट हो रही है पार्टी में, और ये जो प्रकरण कमजोर है, इसमें अफसोस लगता है, दुख लगता है। अच्छी पार्टी थी। 2019 के दिसंबर में रिजल्ट निकला और 16 पहली दफे राज्य में 16 लोग एमएलए आए। अब बीच में किसकी नजर लगी है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, मैं नहीं समझ सकता, है ना। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है मुझे पता नहीं। ये वीक लीडरशिप का कारण हो सकता है। हो सकता है, आपके आप जो कह रहे हैं। हाँ। नहीं देश का प्रदेश अब उस पर किसी पर आक्षेप क्यों करें। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाऊंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन इस बार तो खुद अध्यक्ष ने एफआईआर करवा रहे हैं। अब छोड़ दीजिए उनका क्या करें। किसी पे कोई सजेशन होगा ना सर पार्टी को? नहीं सर, वो तो पार्टी को दूंगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।